क्वेश्चन नंबर 9.3, आ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू आ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट आभासी गहराई ऑफ अ नीडल लाइंग एट अ बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय द माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। वाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पूछ रहा है, म्यू पूछ रहा है इफ द वाटर, और फिर अगला दिया इफ द वाटर रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हो और सेम हाइट तक फिल कर दिया जाए उस टैंक को, तो बाई व्हाट डिस्टेंस वुड बी माइक्रोस्कोप हैव टू मूव टू फोकस ऑन द नीडल। तो कह रहा है कि माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर नीचे करें हम कि जो उसका फोकस है वही रहे। ठीक, अच्छा, तो इसमें क्या एक्चुअल डेप्थ दी है, एक्चुअल H1 12.5 एक्चुअल मतलब वास्तविक गहराई दी है 12.5 सेंटीमीटर, आभासी गहराई दी है, अपेरेंट डेप्थ दी है 9.4 सेंटीमीटर, और म्यू बराबर क्या होता है H1 मतलब वास्तविक गहराई बटे H2 आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, इस फार्मूले में रख देंगे हम। ठीक, इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा H1 दिया 12.5, H2 दिया 9.4, लगभग में 1.33 आ जाएगा म्यू। ठीक, और अगला क्या करें, यदि म्यू इतना हो और वास्तविक गहराई सेम रिमेन सेम,